तो भाई साहब ये देखो, आज मतलब दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हम जा रहे थे एक राइड पे और निकलने से थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट देखा तो बाइक का जो आगे वाला टायर है बॉस, वो है फ्लैट हो चुका है। और अब पता नहीं ये कैसे हुआ, अब मुझे नहीं पता ये किसी ने इसके साथ पंगा किया है या कैसे हुआ, जो भी है अब इसको कराते हैं पहले फिक्स, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। ओहो, हेलो यू वंडरफुल पीपल, कैसे हो सारे, आई होप सब बढ़िया हो, बिंदास हो। तो भाई साहब दिन की शुरुआत जो थी वो हुई थी अपनी कोहिनूर कावासाकी से और पहुंच गया मैं अपनी दामिनी यानी कि डोमिनार पे। कैसे कैसे आप लोग सोच रहे होंगे, तो बात भाई साहब ये है कि अपनी उस वाली बाइक पे ना आगे वाले टायर में लग चुके हैं 3 पंक्चर और पंक्चर लगवाते लगवाते जब हमने देखा तो उसमें लग गया है कट, एक अच्छा खासा कट, और टायर का जो प्रेशर है वो उस पर मतलब कंटिन्यूसली वो कम हुए जा रहा था, मतलब हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अभी मतलब बात यह है कि टायर को लग गया है झटका और हमें पड़ गया फटका। फटका भाई साहब जो नॉर्मली है वो है 11,000 से 12,000 का। सही सुन रहे हो भाई साहब आप, क्योंकि जो उसका फ्रंट टायर है उसका कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 11,000 से 12,000 है मिनिमम। चलो फिर भी कोई चक्कर नहीं, बाकी तो सब बढ़िया है। तो एनीवेज बात करते हैं आज की, तो आज भाई साहब आई एम गोइंग टू अमृतसर क्योंकि अपने को थोड़ा सा काम था, साथ में चलते हैं वहाँ पे चिल करते हैं, एंड पुनीति भी अमृतसर में है तो उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे चिल करेंगे और क्या। और फिलहाल अभी मौसम बड़ा सही है, एकदम सुहाना सुहाना, क्या मध्यम मध्यम हवा चल रही है, एक्चुअली हवा नहीं हम चल रहे हैं तो हवा लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गर्मियाँ बिल्कुल कम हो चुकी हैं जम्मू से, तो लिटरली बहुत सुकून वाली बात है। और अपने को तो शुरू से ही भाई साहब विंटर्स पसंद है, और ये देखो भाई लाड़ा, नमन नमन लाड़ा। वैसे तो अमृतसर मेरे घर से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के अराउंड की दूरी पे है, पर कोई नहीं भाई साहब एकदम म्यूजिक चल रहा है इतने, तो मतलब चिल वाइब्स आ रही है ना, पूरी की पूरी चिल वाइब्स। और मैंने इंटरकॉम से म्यूजिक कनेक्ट करके रखा हुआ है, मस्त मस्त म्यूजिक चल रहा है, मतलब पता ही नहीं चला कि मैं कब लखनपुर पहुंच गया। और भाई लिटरली इतनी चिल वाली वाइब्स आ रही है ना, वो देखो सामने ऊपर ट्रेन जा रही है। और ये देखो वेलकम टू पंजाब, सो हियर वी आर इन पंजाब गाइस। हियर वी आर इन अमृतसर गाइस एंड दिस इज द गोल्डन गेट एंट्री ऑफ अमृतसर। यार क्या ये सच में सोने का है यार, पता नहीं। बस ये देखो अमृतसर में पहुंच गया, आप देखो ट्रैफिक, बस ट्रैफिक ट्रैफिक हर जगह पे ट्रैफिक, ओ भाई बहुत सारी ट्रैफिक होती है यार अमृतसर में, पर कोई नहीं भाई। सीरियसली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि डोमिनार इतना तगड़ा परफॉर्म करेगी यार, लिटरली इसकी राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भाई। चलो भाई साहब पहले मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। 6.5 hours later ओके बॉस, तो फाइनली अपना काम वाम निपटा के मैं फ्री हुआ हूँ अभी, और लिटरली मैंने सोचा था कि जो मेरा काम है वो एक आधे घंटे में निपट जाएगा, बट काम निपटाते निपटाते बॉस मुझे लग गए 4-5 घंटे, और मतलब मे बी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी अभी टाइम हो रहा है 8:32 और जब मैं आया था यहाँ पे पहुँचा था उस टाइम पे टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 1 बजे, मतलब 7-8 घंटे लग गए, ओ भाई ओ भाई। वैसे तो उसके बाद मैंने आके रूम चेक इन किया, देन उसके बाद फ्रेश वेश हुआ, अभी निकल रहा हूँ गोल्डन टेम्पल, और मेरे साथ में है पुनीति, बेचारी कब से फ्री होके बैठी थी। और मैंने इसको बोला था, मैंने कहा मैं 2-3 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, देन उसके बाद हम चलेंगे गोल्डन टेम्पल और या फिर एक दो आस पास कैफ़े वैफे है वहाँ पर चलेंगे, पर कोई नहीं देर आए दुरुस्त आए, बाकी तो सब बढ़िया है यार। और ये पहुंच चुके हैं हम हेरिटेज वॉक पे,
ओ भाई यार, एक सच्ची बोलूँ, यहाँ पे आते ही ना एक मन में अलग सा सुकून आता है, और वो सुकून शांति मन में आना स्टार्ट हो चुका है। एक मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। और अभी अपन जाते हैं, यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे यहाँ पे हवेली के बाहर, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग इजीली मिल जाएगी, अदरवाइज़ हमें बाइक पार्क करनी पड़ेगी ऊपर पार्किंग में, और वहाँ पे यू नो मतलब मन नहीं मानता यार। अभी मतलब शूज़ वगैरह हम उतार के अभी जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए, एंड आई डोंट नो कि अंदर कैमरा अलो होगा नहीं होगा, वो देखते हैं। पर सीरियसली अभी से काफ़ी अच्छी वाली वाइब्स आ रही हैं, तो चलो चलते हैं अभी अंदर। क्या हैंड वॉश कर लेते हैं? हाँ हाँ, तो अभी हैंड वॉश वगैरह करेंगे क्योंकि शूज़ को हाथ लगाया होता है। अभी अंदर से हम आ चुके हैं बॉस, क्या मजा है अंदर, और हमने लंगर किया वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, लंगर चखना, शकना, लंगर शकना। तो हमने भी लंगर शक लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और अभी वैसे तो बॉस मेरा जो होटल है यहाँ से वो है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, पर इसको छोड़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, मतलब 5 जाना 5 आना, मतलब 10 किलोमीटर। सीरियसली अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और अंदर हमने लंगर चखा, सॉरी अंदर हमने लंगर शका, और बॉस सच्ची बोल रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कहीं भी जाके 5 स्टार में जाके खाना खा लो, पर जो लंगर का स्वाद होता है ना भाई साहब, उससे बेटर और कुछ भी नहीं होता है।